चलो लिखो हेडिंग अब, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन हो गया। तो क्वथनांक का उन्नयन जानने से पहले हम लोग क्वथनांक जानते हैं। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक क्या होता है? वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है उसका क्वथनांक कहलाता है। जैसे हम लोग जानते हैं जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो लिखो पहले इसमें हेडिंग लिखो क्वथनांक। क्वथनांक इसमें लिखो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है जिस पर कोई द्रव उबलता है हो गया। क्या लिखे? जिस पर कोई द्रव उबलता है हो गया, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। हो गया। अथवा अथवा वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब बढ़कर जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब बढ़कर एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है के बराबर हो जाता है के बराबर हो जाता है हो गया। उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। हो गया। लिखो अब देखोगे यहां पे ये वाली परिभाषा क्यों लिखवाए हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा दूसरा नंबर वाष्प दाब का अवनमन पढ़ा ना। तो अभी देखो एक वायुमंडल बराबर ऊपर लिख लो कितना 76 सेमी पारे का दाब या 760 मिमी पारे का दाब, ये चीज जानते रहो ठीक। अब हमारे पास एक विलायक था। क्या था? विलायक। बात को ध्यान से समझना, एक विलायक था, इसका जो वाष्प दाब था मान के चलो 70 सेंटीमीटर था। ये 76 सेंटीमीटर होता एक वायुमंडल। अगर इस 70 को 6 बढ़ा दिया जाए तो 76 हो जाएगा और यद्रा उबलने लगेगा ठीक है, वही उसका क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा।
जितने ताप पर ये पहुंच जाएगा एक वायुमंडलीय तक, वही उसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। तो अब सोचो, मान के चलो हमने कहा कि 70 डिग्री सेल्सियस है, ये 70 सेमी है इसका, 76 सेमी करने के लिए हमें इसे 100 डिग्री सेल्सियस देना पड़ा। कितना देना पड़ा? 100 डिग्री सेल्सियस। जब इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते बढ़ाते चले गए, तब ये 76 सेंटीमीटर पर पहुंच गया और हमारा क्या हो गया, द्रव उबलने लगा, उबलने लगा। दूसरा चीज, जब इसमें हमने मिलाया विलेय, क्या मिलाया जी, विलेय, ध्यान से बात को समझना, तब बना क्या, विलयन बना ना। अब जब विलेय मिला के तुमने विलयन बनाया तो वाष्पदाब क्या हो जाएगा? जब तुमने किसी भी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला के विलयन बना दिया तो विलयन का वाष्पदाब विलायक के वाष्पदाब से कम हो जाता है, इसे तो वाष्पदाब का उन्नमन कहते हैं। तुम लोग का दिमाग लगता है घास चरने चला गया, घूमता भर के आते हो दिमाग में, क्योंकि अंदर और कुछ घुसे ही है, भूसा भरे रहो बस वही घुसे दिमाग में। जब विलायक में बना मिलाया गया विलेय तो बना विलयन, और उस विलयन का वाष्पदाब विलायक के वाष्पदाब से कम हो जाता है। दूसरी हेडिंग, तीन दिन से हम यही पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आया समझ में? क्या हुआ, इस विलयन का वाष्पदाब इस विलायक के वाष्पदाब से कम हो गया। अब कम कितना हुआ हम अपने हिसाब से मान लेते हैं कुछ, क्योंकि सब जगह तो मान ही के चल रहे हैं ना, तो कुछ भी हम मान लेते, मान के चल रहे हैं कि कम होके कितना हो गया, 65 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर कम हो गया और हो गया ना। अब ये विलयन कैसे उबलेगा, कोई भी उबलेगा कब, नहीं कोई भी कब उबलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं, उसमें ध्यान से पढ़ो दूसरी वाली परिभाषा क्या लिखवाए हैं, कि वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्पदाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, अर्थात कितने सेंटीमीटर पारे के दाब के बराबर हो जाता है, 76 सेंटीमीटर। तो जब तुम वाष्पदाब 76 सेंटीमीटर कर लोगे तो द्रव उबलने लगेगा, समझ गए। तो यहाँ हमारे पास 70 था, इस 70 को हमने 76 किया था, 6 सेंटीमीटर बढ़ाया, कितना डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाकर, 100 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा, समझ गए। लेकिन जब 65 हो गया तब तो 76 बढ़ाने के लिए ज्यादा ताप देना पड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस से ही काम चल जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस तो केवल 6 सेंटीमीटर बढ़ा सकता है, बढ़ा सकता है, हमको अब कितना बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, 11 सेंटीमीटर बढ़ाना है। तो 11 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है ताप ज्यादा करना होगा, हमें करना होगा। तो क्या होगा, विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन का वाष्पदाब विलायक के वाष्पदाब से कम हो जाता है, अतः इस स्थिति में विलयन के वाष्पदाब को एक वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने में पहले की अपेक्षा अधिक ऊष्मा देनी होगी, देनी होगी। पहले तो केवल 6 सेंटीमीटर ही ले जाना था तो 100 डिग्री सेल्सियस देना पड़ा, इसमें 11 लेके जाना है, इस स्थिति में हमको पहले से अधिक ऊष्मा देनी होगी। मान के चलो हमने कहा कितना दे दिए हम, 150 डिग्री सेल्सियस दे दिए, हो गया ना। तो क्या हुआ, पहले 100 देना पड़ा था, अब कितना देना पड़ा, 150। तो पहले 100 देना पड़ा था तो 76 पहुंच गया, 76 पहुंचा तो एक वायुमंडल हो गया, और एक वायुमंडल हो गया तो वही ताप उसका क्या कहलाया, क्वथनांक कहलाया। अर्थात पहली स्थिति में क्वथनांक कितना था जी, 100 डिग्री सेल्सियस था। दूसरी स्थिति में क्या हुआ, 65 सेंटीमीटर था, 150 डिग्री सेल्सियस दिए तो 76 सेंटीमीटर पहुंचा, अर्थात एक वायुमंडल हुआ, एक वायुमंडल हुआ तो यही ताप उसका क्या हुआ, क्वथनांक हुआ, हुआ ना। मतलब विलायक का क्वथनांक था 100 और विलयन का क्वथनांक था कितना, 150। तो तुम देख रहे होगे क्वथनांक में वृद्धि हुई कि कमी हुई, वृद्धि हो गई ना। अब पहले क्या था, 100 था, कितना हो गया, 150 हो गया, बढ़ गया। बस यही चीज हमको ध्यान में रखना है कि क्वथनांक का उन्नयन कैसे होता है, जब आप वाष्पशील विलेय मिलाते हैं
तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसके वाष्प दाब को एक वायुमंडलीय दाब तक बढ़ाने में क्या करना होता है, पहले से अधिक ऊष्मा देनी पड़ती है, जिससे उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ गए ना, तो आगे बढ़ते हैं। लिखो इसमें, ये तो क्वथनांक हो गया, अब नीचे लिखो क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन क्वथनांक का उन्नयन इसमें लिखो, किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक में निश्चित ताप पर किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, अतः अब विलयन के वाष्प दाब को कहां तक बढ़ाना है, एक वायुमंडल। विलयन के वाष्प दाब को एक वायुमंडल तक बढ़ाने में शुद्ध विलायक की अपेक्षा अधिक ऊष्मा देनी पड़ती है हो गया, जिससे विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से हो गया अधिक हो जाता है, अधिक हो जाएगा ना विलयन वाला, क्योंकि ज्यादा उसमें देनी पड़ रही है। अब शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है, हो गया। आगे लिखो, नीचे लाइन छोड़ के लिखना, काली पेन से लिखो, अतः किसी शुद्ध विलायक में
किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही विलयन तो बाद में बना ना, वास्तव में तो हमारे पास विलायक था। देखो अगर कहें विलायक था, 100 से बढ़कर 150 विलायक का ही हुआ ना, वो तो विलयन की चर्चा करूं तो विलयन का तो 150 हो गया, लेकिन पहले हमारे पास विलायक था, उस विलायक का 100 था, जब तुमने उसमें विलय मिलाया तो कितना हो गया, 150 हो गया। तो वृद्धि किसके में कही जाएगी, विलायक में कही जाएगी जो हमारे पास पहले था। जो चीजें हमारे पास पहले होती है, वृद्धि या कमी उसमें होती है। हमारे पास विलयन नहीं पहले था, हमारे पास पहले क्या था, विलायक था। तो अगर विलायक पहले है तो वृद्धि या कमी उसी में होगी। जैसे तुम लोग 10वीं 12वीं प्रश्न पढ़े होगे कि एक ट्रेन की चाल इतनी है, अगर वो इतना तेज चलती तो प्रारंभिक समय से 2 घंटा कम लेती, तो किससे 2 घंटा कम लेती, प्रारंभिक समय से ना, जो हमारे पास पहले समय था। अभी जो ले रही है वो अलग की बात है, लेकिन जो पहले था उसके अनुसार बढ़ोतरी या कमी होगी ना। अभी हमारे पास ये होता ही नहीं विलायक, तो कैसे बताते बढ़ोतरी या कमी, बता पाते हमको, विलायक ना देके विलयन ही दे दिया जाए तो हम बता पाएंगे क्या कि बढ़ोतरी या कमी हुई, बता पाएंगे, कभी नहीं बता पाएंगे, ये याद रखते रहना। इसीलिए जो चीजें पुरानी हमारे पास है, वृद्धि या कमी उसमें होती है। तो यहाँ पे हम विलायक लिखेंगे, क्या लिखे, विलायक के क्वथनांक में होने वाली कमी को ही, एक मिनट, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही क्वथनांक उन्नयन कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो अब चाहो तो बस केवल यही परिभाषा लिख लो, चाहे पूरा विस्तार पूर्वक लिखो, बात एक ही होगी। हो गया, तो लिखो, माना किसी विलायक का क्वथनांक C1 है, या काली पेन से परिभाषा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लो, नीचे लिखो, माना किसी विलायक का क्वथनांक C1 है, C1 है, जबकि जबकि अवाष्पशील विलेय मिलाने पर जबकि अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक T2 है, प्राप्त विलयन का क्वथनांक T2 है, तो क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन मतलब वृद्धि, और वृद्धि या कमी को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो ताप में वृद्धि कमी हो रही है तो डेल्टा टी प्रदर्शित करेंगे, और क्वथनांक हो रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है, क्वथनांक माने बॉइलिंग पॉइंट, इसके सामने क्या लगा देंगे, यहाँ पे बी, डेल्टा टी, और इस नीचे बी लगा देना, नीचे क्यों लगाना, बी बराबर T2 - T1, क्यों जी, वृद्धि या कमी निकालने के लिए जो बड़ा होता है उसी में से तो घटाते हैं। तो यहाँ पे अधिक किसका था, विलायक का कि विलयन का, विलयन का अधिक था ना, तो विलयन वाले में से विलायक वाले को घटा देंगे तो हमें वृद्धि पता चल जाएगी, अर्थात 150 में से 100 घटा देंगे तो कितना पता चल जाएगा, 50 पता चल जाएगा हमें, ठीक है ना, नोट कर लो इसको।
इसको क्वथनांक ऑनियन डेल्टा टी बी बराबर टी टू माइनस टी वन, डेल्टा टी बी बराबर टी टू माइनस टी वन। ध्यान देना क्वथनांक के उन्नयन को डेल्टा टी बी से हम प्रदर्शित करते हैं। हो गया, चलो अब नीचे लिखो एक चीज, लिखो नीचे लिखो किसी विलायक के लिए इंडिकेट पॉइंट है, किसी विलायक के लिए क्वथनांक का उन्नयन विलयन की मोलंता के समानुपाती होता है। विलयन की मोलंता के समानुपाती होता है, मोललता किसी विलायक के लिए क्वथनांक का उन्नयन विलयन की मोललता ल रहेगा दोनों के समानुपाती होता है, कि समानुपाती होता है। हो गया, अर्थात डेल्टा टी बी अनुक्रमानुपाती क्या मोललता, हो गया ना, अनुक्रमानुपाती जैसे ही हटाएंगे बराबर चिन्ह लगेगा और एक स्थिरांक लगेगा जो यहाँ पे के बी होता है, के तो स्थिरांक ही होता है, बी लगाने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, गुणा क्या मोललता, ठीक है ना, ये सूत्र बना। मोललता का सूत्र क्या जानते हो, मोललता का सूत्र नहीं पता, बहुत खुशी की बात, विलेय की ग्राम में मात्रा प्रदर्शित करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से, बट्टे विले का मोलर द्रव्यमान प्रदर्शित करते हैं यम से, गुड़े विलायक की किसमें मात्रा, ग्राम में मात्रा, कोष्ठक में इसको डब्ल्यू डैश कर दिया जाए, अंतर होना चाहिए। अभी कैपिटल डब्ल्यू दिखाएं तो कॉपियन दोनों लिख लोगे स्मॉल डब्ल्यू, गुड़े कितना जी 1000, हो गया ना, तो इसलिए एक नवा सूत्र बन गया यहाँ पे, डेल्टा टी बी बराबर के बी गुणा डब्ल्यू गुणा 1000 बटे एम गुणा डब्ल्यू डैश, दिखाई दे रहा है, नोट कर लो इसको, इसी पे सवाल लगेगा, इस पे फिक्स सवाल है, 3 नंबर में या 2 नंबर में जरूर आएगा, नो फटाफट। अब यहां पे देख रहे होंगे अनुक्रमानुपाती हटा के हम जैसे ही बराबर लगाए हैं, एक स्थिरांक लगा था केबी, केबी को भी हमने डिफाइन नहीं किया, केबी को वैसे सामान्य स्थिरांक नहीं बोलते, केबी है यहाँ पे मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोललता था ना यहाँ पे, उसको बोलते मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब इसकी परिभाषा बनती है और इसकी परिभाषा पूछी जाती है, परिभाषा इसकी बनाएंगे इसके फॉर्मूले के आधार, ठीक है, तो अब लिखेंगे इसमें
जहां नीचे लिखो जहां डेल्टा टीवी बराबर क्वथनांक का उन्नयन, डेल्टा टीवी बराबर क्वथनांक का उन्नयन। अब देखो यहां पे सोचने वाली बात है, डेल्टा टीवी का हमने पीछे सूत्र लिखवाया ना कि T2 - T1, अर्थात अगर दो तापमान दिए जाएंगे तो घटा के हम डेल्टा टीवी निकालेंगे, और अगर सवाल में सीधे सीधे क्वथनांक का उन्नयन दिया है तो इसका मतलब सीधे सीधे डेल्टा टीवी दिया गया है। तो इस बार पेपर में ऐसा क्या किया था कि दे दिया था विलायक का क्वथनांक कितना है, और उसके बाद विलय मिलाने पर उसके क्वथनांक में इतने की कमी हो जाती है। कहने का मतलब मान लो क्वथनांक दे दिया उसने 78.9 डिग्री सेल्सियस, और उसने कहा मिलाने पर 5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है, तब तो तुम्हें दो तापमान दिख रहा है, इसका मतलब डेल्टा टी निकालने के लिए घटाना पड़ेगा। ध्यान देना, ये विलायक का क्वथनांक है और ये होने वाली कमी है, कमी नहीं सॉरी क्या हुआ यहाँ पे वृद्धि, क्योंकि भी क्वथनांक है ना वहां हिमांक दिया गया, हिमांक का अनुमान के बारे में चर्चा की गई थी, तो हिमांक पर पढ़े नहीं है, इसलिए यहाँ पे समझ लो विलायक दिया गया था और कहा गया मिलाने पर वृद्धि कितने डिग्री सेल्सियस की है, 5 डिग्री सेल्सियस की है, तो डेल्टा टीवी क्या होगा, डेल्टा टीवी क्या होगा बताओ। डेल्टा टीवी है क्या, क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन अर्थात होने वाली वृद्धि है ना, और यहाँ पे देखोगे तो वृद्धि पहले ही बता दिया है, अर्थात डेल्टा टीवी कितना होगा, 5 डिग्री सेल्सियस। तो ज्यादा जोश में बता जाना कि दो तापक्रम दिया इसलिए घटाना ही पड़ेगा, समझ गए, तो ये याद रखे रहना, अगर वृद्धि या कमी दे दिया तो समझ जाओ ये केवल तुमको भटकाने के लिए दिया है, इसका कोई अर्थ नहीं है, समझ में आया कि नहीं है, पता तो हमको डेल्टा टीवी ही करना है, जब डेल्टा टीवी पता चल गया तो इसका क्या अर्थ रह गया, कुछ अर्थ रह गया नहीं, अभी यहाँ पे विलायक का दिया होता और विलयन का दिया होता, कि विलयन का हो जाता है 73.9, तब हम घटाते, एक मिनट नहीं 83.9, तब हम कहते कि विलयन का जो क्वथनांक है 83.9 है, अर्थात T2 बराबर 83.9, और विलायक का जो क्वथनांक है 78.9, अर्थात T1 बराबर 78.9, तब घटाते उसके बाद 5, समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन यहाँ सवाल में घुमाने के लिए तुमको इसका क्वथनांक भी दिया और बता भी दिया कि वृद्धि इतने की हो रही है, समझ गए, तो घटा नहीं देना है, वृद्धि बोल दिया तो समझ जाओ बाकी का कोई अर्थ ही नहीं है, ठीक है ना, हो सकता हो आगे कुछ अगर अलग सवाल पूछा हो तो वहां पे जरूरत पड़े, लेकिन यहाँ के लिए तो फिलहाल कोई जरूरत नहीं होगी, जैसे ही वृद्धि बोल दिया आगे हिमांक का अवलंबन पढ़ेंगे, वहां पे कमी बोल दिया, ठीक है ना, ये याद रखे रहना, वृद्धि बोल दे चाहे कमी बोल दे, तो उसके बाद बाकी इस विलायक के क्वथनांक का कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट हम डेल्टा टीवी बराबर मानेंगे कितना डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये याद रखे रहना, चलो माता लिखे डेल्टा टीवी बराबर क्या लिखे, क्वथनांक का उन्नयन केवी बराबर केवी, केवी बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल मोल ल दोनों ल रहेगा, उन्नयन स्थिरांक स्मॉल डब्ल्यू बराबर विलय की ग्राम में मात्रा, स्मॉल डब्ल्यू बराबर विलय की ग्राम में मात्रा, कैपिटल डब्ल्यू बराबर हाँ वही डब्ल्यू डैश कर लो, डब्ल्यू डैश बराबर विलायक की ग्राम में मात्रा,
W डैश बराबर विलायक की ग्राम में मात्रा, हो गया। यम बराबर विलेय का मोलर द्रव्यमान, और 1000 बराबर 2000। एम बराबर क्या होगा? विलेय का मोलर द्रव्यमान, हो गया, ये ध्यान में रखना। अब इसमें देखोगे जो केवी है इसकी परिभाषा हम कैसे बनाएं, क्योंकि यहां पे हमको मिल रहा है डेल्टा टीवी बराबर केवी गुणा डब्ल्यू। गुणा 1000 और बच्चे एम गुणा डब्ल्यू डैश। किसी प्रकार से ऐसा किया जाए कि ये टीवी बराबर केवी हो जाए, बाकी समाप्त हो जाए, कैसे हो सकता है? ये W बटे M क्या होता है? W बटे M क्या होता है? मोल होता है, मोल। किसका मोल यहां पे रहेगा? विलेय का मोल। अर्थात W बटे M का मान एक कर दें, क्या कर दें? एक। मतलब विलेय का कितना मोल घोल दिया जाए? एक मोल घोल दिया जाए तो बचा क्या? 1000 बटे W डैश। अब उस W डैश को क्या मानना होगा? 1000 मानना होगा। W डैश को तुम मान लो 1000 और आगे ग्राम रहेगा ना, 1000 मान लिए तो 1000 से 1000 कट गया, W बटे M एक हो गया, सब खत्म, केवल डेल्टा टी बी बराबर क्या बचा? केवी बचा। तो इसका मतलब जो मोलल उन्नयन स्थिरांक है वो भी क्वथनांक में होने वाली वृद्धि ही है। जो मोलल उन्नयन स्थिरांक है वो भी क्या है? क्वथनांक में होने वाली वृद्धि है। परंतु कब? अभी यहां पे तो क्वथनांक में होने वाली वृद्धि चाहे जैसे भी हो, लेकिन यहां पे शर्त लग गई, प्रतिबंध लग गया कि जो केवी है क्वथनांक में होने वाली वृद्धि है, परंतु कब? जब विलायक के कितने ग्राम में? 1000 ग्राम में विलेय का कितना मोल घुला हो? एक मोल घुला। बस यही परिभाषा है मोलल उन्नयन स्थिरांक, समझ गए? ये याद रखना है। कैसे होगा परिभाषा बनाना चाहे तो क्या बताओ? किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलेय का एक मोल मिलाने पर विलयन के या विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही क्या कहते हैं? हम मोलल उन्नयन स्थिरांक या केवी कहते हैं। हो जाएगा? तो चलो बाकी चीजें कल होंगी, परिभाषा इसकी कल लिख पाएंगे।